हमारा एक संदेश है पूरे देश के राजनीतिक लोगों को, समाजसेवियों को, बुद्धिजीवियों को, कि जूता पैर के नीचे रहता है। पूरे हिंदुस्तान के विकास में कह लो, यहाँ की सफलताओं में कह लो, हर चीज़ में हम लोग, हम किसानों का अहम रोल रहता है। जैसा एक शरीर में जूते का रहता है, जूता आपको आपका हर जगह सहयोग करता है। और अगर जूता तो आप एक किलोमीटर भी जगह चल नहीं पाएंगे, वो फट जाएगा, चिट जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन आपका साथ जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको फेंकेंगे नहीं। आज हम लोगों की हालत जूतों की तरह है। हम पूरे देश को चला रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में हम रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद भी कम से कम इतना तो ध्यान रखे रहो कि हम फट रहे हैं कि घिस रहे हैं कि हमारी क्या दुर्दशा हो रही है। तो हमारा संकेत ये है जूता पूजन में कि अगर हम लोगों ने साथ छोड़ दिया, अगर जूते अगर अपने पैर से हट गए, यकीन मानो एक किलोमीटर भी भारत चल नहीं पाएगा, ये देश थम जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा ये भी संकेत है कि जूते हैं उनका ध्यान रखे रहो, जूता अपनी जगह सही रहती है। हम अपने आप को जूता कह रहे हैं, जूता महसूस कर रहे हैं, जूता हैं, लेकिन अगर जूता पैर से अगर निकल गया और अगर सर पर पहुंच गया तो सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जूता जब तक पैर में है जब तक ठीक, और अगर पैर से निकला तो जूता सर पर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो हमारा ये संकेत भी है और चेतावनी भी है कि अगर हमें हमारी जगह पर हमारी देखभाल होती रहे, हमें हमारे हक मिलते रहें, तो हम अपनी जगह अपने काम करते रहेंगे। अगर हमें सही ढंग से अगर हमारी देखभाल नहीं हुई तो हम सर पे भी पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं करेंगे। हम कोई भी बड़ी सभाएं नहीं होने देंगे, जहां सभा होगी वहां खड़े हो जाएंगे, और वहां से 10 किसानों ने भी जूते फेंक दिए पूरे विश्व में बदनामी हो जाएगी, चाहे वो प्रधानमंत्री का मंच हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का मंच हो, चाहे वो राहुल गांधी का मंच हो, चाहे सोनिया गांधी का, किसी का भी मंच हो, चाहे वो मुलायम सिंह का हो, चाहे मायावती जी का हो, किसी का भी मंच हो। आप लोग कितने दिन से धरने पर बैठे हैं? 10 दिन से धरने में। हम लोगों की छोटी छोटी मांगे हैं और जायज और ज़रूरी मांगे हैं। 10 दिन से यहाँ रहने के बाद भी, 2 दिन ज्ञापन देने के बाद भी, जिला प्रशासन से एक बच्चा नहीं आया हमारे यहाँ, ना हमसे जो हमारी समस्याएं हैं उन संबंधित विभाग से कोई अधिकारी है। हमारे यहाँ बांध बने थे, 12 वर्ष हो गए हैं बांध बने हुए, हम लोगों की अनुकंपा राशि और मुआवजा वगैरह अभी नहीं मिला है, पेड़ बंदी पौधा कुआ इनका कोई पैसा नहीं मिला है। हम जायज मांगे मानने आए हैं, हम कोई लाल किला और कुतुब मीनार मांगने नहीं आए हैं, उनकी भी सुनने के लिए नहीं आए। 12 वर्षों से हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों हम लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है? क्यों हम लोगों के साथ, अगर दुश्मनी है तो हम लोगों को जहर बटवा दो ना, हम लोगों को मरवा दो, हम लोगों को तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ने से अच्छा है कि हम लोगों को गोली मरवा दो। हमारे यहाँ अन्ना प्रथा की समस्या है, छुट्टा जानवर है, ये जैवीय आपदा से बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, कि हम लोग खेत बोते हैं, बखलते हैं, बोते हैं, पैसा लगाते हैं, एक दिन में अगर नहीं रखा पाए तो एक दिन में पूरा खराब हो जाता है। हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था, पानी तो है लेकिन सिंचाई खेत में नहीं पहुँच पाता है, पानी नहर जो 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 नहर सिस्टम है वो सारा ध्वस्त पड़ा हुआ है, सारा भ्रष्टाचार की भेंट चल गया है। हमारे यहाँ आपका बीमा, जो बीमा होता है कृषि बीमा होता है, हमसे प्रीमियम दिया जाता है, फसल नुकसान होने के बाद भी हम लोगों को उसका क्लेम नहीं दिया जा रहा है, क्या है ये? हम कोई नाजायज मांगे नहीं मांग रहे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं। यही सब मांगों को सुनाने के लिए हम ACP साहब के पास गए, जब यहाँ रवि गोष्ठी हुई तो ACP साहब ने मना कर दिया। जब ACP जैसे बड़ा अधिकारी नहीं सुन रहा है तो ये DM साहब और कमिश्नर साहब क्या सुनेंगे हमारी? तो हम लोग 10 तारीख से ACP की मीटिंग से सीधे यहाँ आ रहे थे और 10 तारीख से हम लोग यहीं बैठे हैं, और अब हम जब जाएंगे, जब या तो प्राण रहेंगे या हमें हमारे हक हमारे पास आ जाएंगे, अब हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे हमें जूता पूजन करना पड़े या हमें कोई पूजन करना पड़े, हम किसी भी पूजन से अब नहीं रुकेंगे। अब पूजन होगा और पूजन होगा तो अब तरीके के होगा, ये बार बार घुट घुट के मरने से अच्छा है या पूजन ही हो जाए, या तो हमारा पूजन होगा या सरकार का होगा या अधिकारियों का होगा, पूजन होगा।